बड़ी खबर दिल्ली से, जहां गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मैं उन्हें कठोर समझता था, पर उनमें इंसानियत है। चौकीदार चोर है का नारा सिर्फ राहुल का था। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर भी इस दौरान हमला बोला और कहा कि मैं खुद ही अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गया हूं। मैंने सोचा था कि पीएम मोदी एक कच्चे आदमी है, लेकिन उन्होंने मानवता दिखाई है। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड वाली के गाड़ी के अंदर बस हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहां नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जिस जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए, और आदमी को भी लगे कि यहां हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, अमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए।